देश को बर्बाद कर दिया। कहाँ बर्बाद कर, तुम्हें यही दिख रहा, तुम्हारी आंखें नहीं है इसका मतलब। बर्बाद कर दिया, देश को लूट लिया। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है या नहीं? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? लग रहा क्या है, देश में क्या है, खुशहाली तो खत्म हो चुकी है, अब सरकार बननी नहीं है इनकी। बलात्कार होता तो देश सड़कों पे आ जाता था, ठीक, और सरकार को सरकार बेखुट पे आ जाती थी। आज बलात्कार होता है तो सरकार के समर्थन में बीच में और भजन दल आता है। किसान आंदोलन करेंगे तो फर्जी किसान आके उनका आंदोलन समझाएंगे, जनता जनता को समझाएगी क्या? मोदी जी को मेंटल बता रहा, अरे बता रहा, लेकिन मेंटल कौन है? मेंटल आज की तारीख में कौन है जिसको ये पता नहीं है कि आटा किलो में बिकता है या लीटर में बिकता है, जिसको ये पता नहीं है कि आलू जमीन में होता है कि आसमान में होता है, जिसको ये पता नहीं है कि आलू जो है मशीन में डालने से सोना नहीं बनेगा, वो मतलब वो मेंटल नहीं है। लेकिन ये लेकिन मोदी जी मेंटल है, वो मोदी जी मेंटल है, राहुल गांधी जो है मेंटल नहीं है, ठीक है। अब आलू और सोना देखो, ये भक्तों की सबसे बड़ी निशानी है, ये आलू सोना जब बोलते पकड़े जाते। इन्हें ये नहीं पता कि मोदी जी ने कहा था कि भैया ऐसी मशीन लगाऊंगा, राहुल गांधी ने उस भाषण को कोट किया था कि भैया मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, यहाँ से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकलेगा। ये मोदी जी का भाषण था, राहुल गांधी ने कोट किया और ये आज तक सही भाषण नहीं सुन पाए। देश को लूट रहे हैं, ये देश को लूट रहे हैं। विजय माल्या फरार हुआ, बताओ ये किसके साथी था? जिस एयरपोर्ट पर थे, सिक्योरिटी चेक पर थे, कमला पसंद की पुड़िया नहीं जा सकती, उस पर इतना बड़ा विजय माल्या कैसे फरार हो गया बताओ? रॉबर्ट वाड्रा के पास कितना संपत्ति है? आज उसके पास कितना संपत्ति है? वो संपत्ति किसके वजह से हुआ? सोनिया गांधी राहुल गांधी की वजह से तो हुआ। कभी वो पीतल कूटने वाला आदमी आज हजारों करोड़ का मालिक है, पूछो इससे कहां से आया उसके? भाई रॉबर्ट वाड्रा पीतल कूटता था इनके हिसाब से, और लंदन में उसके पड़ोसी पढ़ रहे थे। भाई प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इन्हें पता नहीं है, और कैम्ब्रिज में किसी गरीब का बच्चा पढ़ता है, पीतल कूटने वाले का बच्चा पढ़ता है, इन्हें क्या पता? ठीक, और सुनो, और 9 साल से ये सरकार के धान कूट रही है। अगर इतना बड़ा क्रिमिनल है तो डाले उठा के जेल में, क्यों नहीं किया कार्रवाई? और कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? सरकार के पास साधन नहीं है, पुलिस नहीं है, सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है। भाई भूपेश बघेल पे भेज दी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो मोर्चा खोला हुआ ना, ऐसा मोदी जी कहते हैं। तो यही रॉबर्ट वाड्रा पे क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, सुनो ध्यान से, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, क्या निकला कॉमनवेल्थ घोटाले में? भाई हमने 2010 में मैं पढ़ता था, 9वीं 10वीं क्लास में था, हमें 9 में ही बता दिया गया था 10 में दिल्ली पेरिस बन जाएगी, दिल्ली बनेगी पेरिस का दूसरा रूप, ठीक है, परमाणु परीक्षण होगा और खेल होगा, दुनिया भर के देश आएंगे, ये वो, खूब पेगम भाग मची थी, हमें मालूम था। हमने सरकार से सवाल पूछा, जब कुछ नहीं हुआ तब कांग्रेस से भी पूछा, और बदले में सरकार उठा के फेंक दी, 14 में सरकार चली गई, ठीक, निर्भया जैसा कांड हुआ, सरकार से सवाल पूछा, आज क्या है, आज समर्थन हो रहा है, ठीक है, सरकार का समर्थन हुआ, हाथरस का कांड होगा, अरे योगी थोड़ी कर रहा है बलात्कार, अबे जिम्मेदारी किसकी है प्रशासन की? एक डीएम कार्रवाई नहीं कर रहा तो डीएम का तबादला कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? एडीएम का तबादला कौन करेगा? प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी या गलत कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी है किसकी? पहले बलात्कार होता तो देश सड़कों पे आ जाता था, ठीक, और सरकार बैकफुट पे आ जाती थी। आज बलात्कार होता है तो सरकार के समर्थन में बीच भी और भजन दल आता है। किसान आंदोलन करेंगे तो फर्जी किसान आके उनका आंदोलन समझाएंगे, जनता जनता को समझाएगी क्या? देश में सरकार से सवाल नहीं होगा क्या? और मीडिया का क्या है, अर्णव गोस्वामी सरकारी पत्रकार, ठीक, तुम्हारा भी सुधीर चौधरी, सरकार का बखानी सुनना होता है क्या मीडिया में, या सरकार से सवाल पूछने होते हैं? मोदी जी ने आज तक एक इंटरव्यू देने की औकात नहीं है। भाई कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? मन की बात तो करते हैं ना। अरे मन की तो कर रहे हैं, मन की नहीं करनी ना प्रधानमंत्री को, देश की बात करनी है, देश की जनता की बात करनी है, गरीबी की करनी है, भुखमरी की करनी है, बेरोजगारी की करनी है, देश में तरक्की की बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है, मन की नहीं करनी। भाई वह आदमी नाली से गैस निकाल रहा है, ठीक है भाई, बादलों से रडार निकाल रहा है, उल्टी सुलटी बातें कर रहा है, भाई मेंटल स्टेटस चेक करना चाहिए उस आदमी को इस हिसाब से तो, और राहुल गांधी को पप्पू बना रखा है, जो 125 करोड़ लोगों को 600 करोड़ बोलता है, ठीक है, इसने जिता दिया, उसने जिता दिया, और विदेशों में जाके इंडिया की इतनी बेइज्जती, राहुल गांधी के खिलाफ एक तो राहुल गांधी पे लगते ना विदेशों में जाके, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है या कभी रहा है? मैं इस ये पूछता हूँ, जब वो बंदा शासन प्रशासन में ही नहीं रहा तो उससे सवाल पूछते क्यों? और 70 साल का हिसाब तुम मांग रहे हो, ठीक, 70 साल का हिसाब मांग रहे हो तो ये 9 साल का हिसाब क्यों नहीं मांगते भक्तो? 9 साल का तुम्हारे भूखा मांगेंगे? ये मोदी जी को मेंटल बता रहा, अरे बता रहा, लेकिन मेंटल कौन है? मेंटल आज की तारीख में कौन है जिसको ये पता नहीं है कि आटा किलो में बिकता है या लीटर में बिकता है, जिसको ये पता नहीं है कि आलू जमीन में होता है कि आसमान में होता है, जिसको ये पता नहीं है कि आलू जो है मशीन में डालने से सोना नहीं बनेगा,
वो मतलब वो मेंटल नहीं है, लेकिन मोदी जी मेंटल है, वो मोदी जी मेंटल है, राहुल गांधी जो है मेंटल नहीं है। ठीक है, अब इससे सवाल करो। अब आलू और सोना देखो, ये भक्तों की सबसे बड़ी निशानी है, ये आलू सोना जब बोलते पकड़े जाते। इन्हें ये नहीं पता कि मोदी जी ने कहा था कि भैया ऐसी मशीन लगाऊं, और राहुल गांधी ने उस भाषण को कोट किया था कि भैया मेरे शब्द नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, यहाँ से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकलेगा। ये मोदी जी का भाषण था, राहुल गांधी ने कोट किया, और ये आज तक सही भाषण नहीं सुन पाए। तो इनसे कोट किया, लेकिन लेकिन सही से कोट नहीं किया उसने, जो मैं बता रहा हूँ। आलू सोना वाला भाषण किसका है? आलू सोना वाला भाषण, आलू सोना मोदी जी ने कुछ और संदर्भ में कहा था, उसने कुछ और संदर्भ में लिया, तो कहा जाएगा राहुल गांधी ही ऐसा बोला। अच्छा चीज बताओ, ये राहुल गांधी जो है विदेशों में जाके अनाप शराब बोलता है, मेंटल कौन है? आपको क्या लगता है, 9 साल बेमिसाल रहे? ये मिसाल है, देश को बर्बाद कर दिया। कहाँ बर्बाद कर दिया? तुम्हें यही दिख रहा, तुम्हारी आंखें नहीं है इसका मतलब। दिवाली देख लो, रौनक 10 दिन पहले से दिवाली बर्बाद कर दिया, एक देश को लूट लिया। और 2 दिन पहले चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है या नहीं? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? लग रहा क्या है, देश में क्या है, खुशहाली तो खत्म हो चुकी है, अब सरकार बननी नहीं है इनकी, नहीं बनेगी। अब मोदी जी नहीं आएंगे, कौन आएगा? अब कांग्रेस है, कांग्रेस है, संविधान के लिए खोलेगा, कांग्रेस है। बीजेपी के लोग कहते हैं ना इनके पास मुद्दा है ना चेहरा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। सबका साथ ना, सबका साथ है ना सबका विकास है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास एक मुद्दा है सिर्फ हिंदू मुसलमान, वो मुद्दा भी खत्म, बस। और जनता समझ चुकी है अब सरकार नहीं आने वाली इनकी, पूरा तो कहते हैं ना 70 साल लूटा है, 9-10 सालों में हमने संभाला है देश। आज 70 साल में जो कुछ भी है, आज हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी है वो कांग्रेस की देन है। अगर कोई ये कहे कि 70 साल में ये 14 साल में आया, तो मुझे बता दो ये 14 से पहले क्या नहीं था? रोड नहीं थे, कौन सी योजनाएं नहीं मिलती थी, राशन नहीं मिलता था? अभी देश सुरक्षित हाथों में है, तो पहले भी सुरक्षित था। ये तो देश को लूट रहे हैं, ये देश को लूट रहे हैं, विजय माल्य फरार हुआ, बताओ ये किसके साथ ही था? जिस एयरपोर्ट पर से एक सिक्योरिटी चेक पर से एक कमला पसंद की पुड़िया नहीं जा सकती, उस पर से इतना बड़ा विजय माल्य कैसे फरार हो गया? बताओ ना कैसे फरार हो गया? ये अगर मोदी के साथी नहीं होते तो जाते नहीं, नहीं। ललित भागा, ललित मोदी भागा, नीरव मोदी भागा, विजय माल्य भागा, ये कौन थे? आप इतनी कमियां गिना रहे हैं, बीजेपी कहती है हमने राशन दिया, घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, हाईवे मजबूत कर दी। राशन नहीं मिलता था कांग्रेस के टाइम में? नहीं मिलता था। कौन कह रहा नहीं मिलता था? वो तो कह रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ। पहले भी राशन मिलता था, पहले चना घी भी तो, और पहले भी ये मकान इंदिरा गांधी योजना मिलती थी। मान कर दिया, केजरीवाल भी तो दे रहा है, केजरीवाल भी तो दे रहा है, इनकी तरह एक काम करके 10 बार थोड़ा, योगी अलग गिनाएंगे, मोदी अलग गिनाएंगे, अमित शाह अलग गिनाएंगे, प्रधान अलग गिनाएगा, कोर्ट वाला वो जो राशन देता है वो अलग गिनाएगा। अब एक वोट के लिए कितने लोग गिनाओगे बे? चूतिया बना के रखा जनता को, सुविधा दे रहे हैं तो गिनाए ना। अरे ये जनता को मूर्ख बना के रखा है। क्यों दे रहे हो? बंद करो ना, राशन क्यों दे रहे हो? लोभ दे रखा राशन का, वोट मिले हमारे लिए मोदी को, बीजेपी के फूल पर वोट दबा जनता, इसलिए जरूरतमंद राशन ना दे। जरूरतमंद सारे जितनी करोड़ जनता वो सारे ही है, अमीर भी जा रहा, गरीब भी जा रहा, सभी के लिए वो। और आदमी बहुत बेरोजगार है, राशन की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है, काम की जरूरत जब है। काम होगा तो वो खुद अपना राशन लेके खा सकता है, जब काम नहीं होगा तो इस देश को वो भिखारी बनाना चाहते हैं कि लोग हम फ्री दें और इस देश को राशन सब भिखारी बना देंगे। दावा करते हैं कि आज हमारे शासन में जो लोग हैं वो रोजगार खुद दे रहे हैं, कौन बांट रहा है? आज ये रोड पे खड़े हैं, देख लो स्वरोजगार, किसी से पूछ लो अगर नौकरी मिली हो 2014 के बाद, चलने का कम नहीं बंद है, 2014 के बाद खुद का काम करने लगे हैं, अपना काम करवाते हैं, चाय बिकवाते हैं, पकौड़े बिकवाते हैं, ये काम करवाते हैं, इनका बिजनेस ही है इनकी नजर में, और खुद के बच्चे विदेश रहते हैं, विदेश पढ़ते हैं, किसी मंत्री के बच्चे एयरपोर्ट इस पे वहाँ पे बॉर्डर पे हो तो बता दो। अरे भैया गुलामी है तुम्हारा, अमित शाह उसका उसका बेटा क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, अमित शाह। हाँ